हाँ तो बच्चा लोग, आज मैं फिर से आ गया हूँ आप लोगों का वीडियो लेके, जो आपका कोरल का एक्सरसाइज था वो अभी तक नहीं हुआ था, इसलिए हमने उसको कंप्लीट कराने के लिए आज नया वीडियो बनाया है। हाँ तो बच्चा लोग चलो आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं इसमें क्या है। पहला कि करेक्ट आंसर बताना है, करेक्ट आंसर बताना है। तो पहला सवाल है, जैकल लिव्ड इन अ, जो जैकल था वो कहाँ रहता है। तो भैया बच्चों, जैकल रहता था स्मॉल हिल के बैरो, तो हम यहाँ आंसर लगा देंगे बैरो। दूसरा था, आई सेव्ड एन इनोसेंट, जैकल क्या बोला, मैंने एक ईमानदार किसको बचाया था, बेबी बर्ड को, जो बेबी बर्ड पानी में डूब रहा था उसको बचाया था, वो झूठ बोला था, ठीक है। तीसरा है, तीसरा क्वेश्चन, द जैकल पाउंस्ड ऑन द किंग बर्ड एंड, जैकल किंग बर्ड्स के ऊपर कूदा था और उसे क्या किया था, मार दिया था, किल्ड हिम, क्या किया था, किल्ड हिम। तो ये वाला सही है। तो बच्चा लोग हमें लग रहा है तुम लोग को अच्छा लग रहा है ये, हैं। चलो दूसरा देखते हैं, अब ये फिल इन द ब्लैंक है, ठीक है। तो अब इसमें देखें, इसमें जो खाली जगह है उसमें भरना है। इधर बच्चों ने पहले से ही भर दिया है, लेकिन ध्यान न दो, मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो और बताओ। अ जैकल लिव्ड इन अ, खाली जगह है, फिर इन ए स्मॉल हिल, तो जैकल कहाँ रहता था, आप लोगों को पता है, पहले पढ़ाया है, जैकल रहता था स्मॉल हिल के बारो में, तो यहाँ बारो भर दिया। दूसरा है, ही थॉट आउट अ, जैकल, जैकल ने क्या थॉट आउट किया, एक प्लान थॉट आउट किया, कौन सा प्लान था, चलो यहाँ से चला जाए कहीं दूसरी जगह। तीसरा क्वेश्चन है, द, फिर खाली जगह है, वाज हैप्पी ऑन हियरिंग दिस, कौन जैकल की बात सुन के खुश हो गया, किंग बर्ड, यहाँ किंग बर्ड होगा, किंग बर्ड भी लिखना है, ठीक है दोस्तों। आज बच्चा लोग किंग बर्ड लिखना है यहाँ। आई हैव ईटन ऑल द, कौन बोल रहा है ये, जैकल, किसको बोल रहा है, किंग बर्ड ने जब पूछा तो उसने बताया कि मैंने सारे बर्ड्स को धीरे धीरे खा गया और अब तुम्हारी बारी, याद आ रहा है ना, हाँ। चलो तीसरे में देखते हैं क्या, इसमें इसमें सही और गलत लिखना है, ट्रू एंड फॉल्स, तो मैं पूछूंगा और तुमको सही और गलत है ये बताना है। पहला सवाल है, अ जैकल लिव्ड इन अ डेन, तो बताओ ये सही है कि गलत, गलत, जैकल कहाँ रहता था, स्मॉल हिन के बारों में। दूसरा देखो, इट वॉज अ रेनी सीजन, तो जब रेनी सीजन था कि नहीं, हाँ रेनी सीजन था, क्यों, फ्लड आ गया था और सब डूब रहा था, तभी वो जैकल वहाँ से भागने का प्लान बनाया। तीसरा है, द जैकल चीटेड द बर्ड किंग, ये सही है कि नहीं बच्चों, सही है, क्योंकि वो झूठ बोल के बर्ड किंग के पास गया, वहाँ रहने लगा और धीरे धीरे उन सबको मार के खा गया और उनको झूठ बोला कि मैं एक बेबी बर्ड को बचाया हूँ। नेक्स्ट है, द बर्ड किल्ड द जैकल, ये सही है बच्चों कि चिड़ियों ने जैकल को मार डाला, नहीं नहीं ये सही नहीं, एकदम गलत है, क्योंकि जैकल ने ही सारे बर्ड्स को मारा था, तो ये गलत हो गया, ठीक है, तो ये गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, आगे देखते हैं बच्चों, इसमें मैच द फॉलोइंग, मैच करना है ए को बी से। इसमें देखो, एक दो, एक दो तीन चार इसमें भी दिया है,
यहाँ दिया ए बी सी डी, मैच कराना है। अब देखो, अब ये स्मॉल स्मॉल क्या था इसमें, देखें बर्ड था स्मॉल या हिल था, सीजन था कंडीशन था, तो स्मॉल हिल, तो हिल जो है स्मॉल था। उसके बाद आ गया रैनी, रैनी क्या होता है, सीजन होता है, ये तो जानते ही हो बच्चों। मिजरेबल क्या होता है, कंडीशन होता है, मतलब बहुत ही बुरा हाल था। और बेबी कौन था, बर्ड, बेबी बर्ड्स थे, ये भी हो गया आप लोगों का। चलो आगे देखते हैं, अभी तुमको आंसर देना है, क्वेश्चन मैं पूछूंगा, आंसर आप लोग देंगे, ठीक है। पहला है, वेयर डिड द जैकल लिव्ड, जैकल कहाँ रहता था, तो जैकल लिव्ड इन बारो इन ए स्मॉल हिल, छोटे से पहाड़ के गुफा में रहता था। नेक्स्ट है, व्हाई डिड द जैकल लिव्ड हिज बारो, अरे भाई क्योंकि यही उसका घर था, बिकॉज बारो इज द होम ऑफ जैकल। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्लान ऑफ जैकल, जैकल का क्या प्लान था, तो बच्चों कहानी याद है, जैकल ने प्लान बनाया कि यहाँ बारिश हो गया है, सब फ्लड आ गया है, तो हमें कहाँ चलना चाहिए, कहीं दूसरी जगह चलना चाहिए, तो उसका ये प्लान था कि लीव दिस प्लेस एंड गो अनदर प्लेस। चौथा क्वेश्चन है बच्चों, हु हैड कम टू द जैकल एंड व्हाट डिड ही आस्क, कहानी याद करो बच्चों, कौन आया था जैकल के पास और क्या पूछा था। हाँ याद आ गया ना, किंग बर्ड्स आया था और उसके मडी बॉडी को देख के पूछा था, अरे तुम्हारी ऐसी हालत क्यों है। सही बोल रहे हैं, कहानी याद रखो और क्वेश्चन आंसर करते जाओ। अभी अगला क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट आर द होम, व्हाट आर द होम्स ऑफ द फॉलोइंग एनिमल एंड बर्ड कॉल्स, बच्चों इसका मतलब हुआ ये जो बर्ड्स और एनिमल से लिखे गए हैं इनके होम को क्या बोलते हैं। तो काऊ कहाँ रहता है, शेड में, हॉर्स कहाँ रहता है, स्टेबल में, स्नैक होल में रहता है, क्रो कहाँ रहता है ये बताओ, नेक्स्ट में, घोंसले में रहता है, रैबिट कहाँ रहता है, बायरों में रहता है, फिश कहाँ रहती है दोस्तों बच्चों बताओ, फिश रहती है वाटर में, ये तो आपको पता ही है, माउस कहाँ रहता है, घूमता रहता है, होल में रहता है, लायन डेन में रहता है, स्पैरो नेक्स्ट में रहता है, वुड पीकर कहाँ रहती है, वो भी अपना एक नेक्स्ट बना लेती है, वहाँ रहते हैं सारे। हाँ तो बच्चों अभी एक छोटा सा नया ग्रामर का आ गया, ठीक है, इसमें क्या है कि प्रेजेंट टेंस में सब चीज़ लिखा हुआ है, जब इज एम आर रहता है तो प्रेजेंट टेंस होता है। देखो इसमें इज लिखा है ना, देखो इसमें भी इज लिखा है ना, इसमें भी इज लिखा है ना, तो जहाँ जहाँ इज लिखा है इसका मतलब वो कौन सा सेंटेंस हो गया, कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट टेंस हो गया, मतलब वर्तमान। देखो यहाँ आर लिखा है इसलिए ये भी प्रेजेंट टेंस हो गया। अभी इसको हमें किस में बदलना है, पास्ट टेंस में बदलना है, पास्ट में मतलब जो बीत चुका है, पास्ट में बदलते हैं तो क्या हो जाता है, वाज हो जाता है या वेयर हो जाता है, ठीक है दोस्तों, वाज हो जाएगा या वेयर हो जाएगा, धीरे धीरे सब समझ में आएगा, लेकिन यहाँ क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जहाँ जहाँ इज लगा है वो प्रेजेंट टेंस है तो उसको हम पास्ट टेंस बनाने के लिए वाज लगा देंगे, ठीक है बच्चों। चलो पहला तो देख ही रहे हो, दिस इज अ कैट, तो क्या क्या इज को हटा क्या लगा दिया, वाज, दिस वाज अ कैट, ये क्या होगा, द बेगर इज एन ओल्ड मैन, तभी यहाँ क्या हो जाएगा इसका, द बेगर वाज एन ओल्ड मैन। तीसरा देखो, रमन इज माई ब्रदर, अब ये क्या हो जाएगा, रमन वाज हो जाएगा, ठीक है, रमन वाज माई ब्रदर। चौथा देखो, टीना इज ब्यूटीफुल गर्ल, अब क्या हो जाएगी, टीना वाज
ब्यूटीफुल है, कुछ नहीं करना है, जहाँ ईद लगा हुआ है उसको हटाओ और वाज लिख दो, ठीक है। रीता इज इन द क्लास, अब यहाँ क्या हो जाएगा, रीता वाज इन द क्लास, इसकी जगह क्या हो गया, वाज हो गया। हाँ बच्चों अब देखो, दे आर प्लेइंग, यह देखो आर लगा है, इज एम आर, अगर आर लगा है तब भी क्या होता है, प्रेजेंट टेंस होता है, अभी हमें पास्ट करना है, तो ये आर है, ये प्लूरल है दे, इसलिए हो जाए दे वेयर हो जाएगा, दे वाज नहीं लगेगा, क्या लगेगा, वेयर, डब्ल्यू ई आर ई, ठीक है बच्चों, तो आर की जगह क्या लग जाएगा, वेयर, डब्ल्यू ई आर ई वेयर, ठीक है। आई एम ए गुड प्लेयर, बच्चों मैं बताया था ना, इज एम आर, देखो यहाँ आर आया तो यहाँ कहा आया एम, तो एम आ गया, तो यहाँ भी बच्चों एम की जगह क्या लग जाएगा, वाज लग जाएगा, आई वाज ए गुड प्लेयर, आई एम को हटाओ और वाज लगा दो, ठीक है, आई वाज अ गुड प्लेयर। अमन इज अ गुड सिंगर, देखो इज लगा है, क्या करोगे, अमन और क्या लिखोगे, वाज लिख दोगे, इज की जगह क्या लगाओगे, वाज लगा दोगे, अमन वाज ए गुड सिंगर। तो बच्चों अच्छा लग रहा है ना, हाँ समझ में आएगा, ठीक है बच्चों, और ये क्वेश्चन आंसर हैं, और एक और करा देते हैं बच्चों, देखो राइटिंग स्किल वाले में, इसमें आपको ये जो लेटर्स लिखे हुए हैं इनसे इन सेंटेंस में फिल करना है, यहाँ 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 जो खाली जगह यहाँ फिल करना है और समझ के फिल करना है, ठीक है बच्चों। चलो देखते हैं कैसे है, द टाइगर इज़ आवर नेशनल एनिमल, हाँ नेशनल एनिमल है टाइगर, अब उससे रिलेटेड ये दिया है, इसमें भरना है, द टाइगर इज ए, अब बताओ फोर एनिमल नहीं, टेल एनिमल नहीं, वाइल्ड एनिमल, यस यहाँ आएगा वाइल्ड, ठीक है, यहाँ वाइल्ड लिख सकते हो पहले वाले में वाइल्ड, उसके बाद दूसरा देखो, इट लिव इन द, अब कहाँ रहता है वो, अब देखें डेन में रहता है, डेन कहाँ बनाता है वो, फॉरेस्ट में बनाता है, तो ये फॉरेस्ट कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा तुम्हारा फॉरेस्ट, लायन फॉरेस्ट में रहता है, ठीक है। इट हैज, उसके पास क्या क्या है, फोर लेग्स है और एक टेल है, फोर यहाँ आ गया, यहाँ फोर कर दो, देखो इधर चला गया ये आ गया और यहाँ हो गया लेग एंड ए टेल हो गया। इट हैज ब्लैक, देखो टाइगर देखे हो, छोटा छोटा काले काले सा ऐसा लाइन रहता है, यहाँ ब्लैक करो और उसका पूरा बॉडी क्या रहता है, येलो बॉडी पे ब्लैक स्ट्रिप्स रहता है। और देखो बच्चों अब बचा क्या है, यहाँ केवल फ्लैश बचा है, तो एनिमल क्या खाता है, फ्लैश खाता है, मांस खाता है, और क्या है दोस्तों, इट प्रेज एट, कब वो प्रेयर करता है, ये प्रे दूसरा है खाने का, भोजन कब वो करता है, नाइट एट नाइट, तो नाइट, ठीक है बच्चों समझ में आया। ये पिक्चर देख के आप लोगों को बताना है इसमें क्या कर रहा है, ये क्या है, ये डक है, ये डक क्या कर रहा है, स्विमिंग कर रहा है, देखो ये हो गया, ये क्या है, लायन है, लायन क्या कर रहा है, देखें ये उसका मुंह देखें, ये रोरिंग कर रहा है, चिल्ला रहा है, डरा रहा है, ये रोरिंग हो गया, ये क्या है, ये छोटा वाला बताओ क्या, ये क्या है, मंकी है, क्या कर रहा है ये, स्विंगिंग ऑन ट्री ब्रांचेज, देखो स्विंगिंग ट्री के ब्रांच पे डाली पे ये
झूल रहा है। ये क्या है, ये क्या है बच्चों, ये बताओ, ये है जिराफ। क्या कर रहा है देखो, इसका मुंह देखो, ये पत्ता खा रहा है। देखो जिराफ इज ईटिंग लीव्स। ठीक है तो दोस्तों बच्चों बहुत अच्छा है, इसी तरह से पढ़ते रहो, हम फिर से नया वीडियो आपके लिए बनाएंगे। थैंक यू बच्चों।